सीपीआई से सांसद सुदामा प्रसाद जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरह से छात्रों के साथ धांधली हो रही है, लगातार परीक्षा में जो घोटाले के सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये गलत हो रहा है। आम छात्र छात्राओं को इस तरह की उच्च शिक्षा से उनको वंचित करने का कहा जाए कि षड्यंत्र है, जिसके खिलाफ में आयशा और अन्य जो पार्टियों के छात्र युवा संगठन हैं वो लड़ रहे हैं। लोकसभा के अंदर विपक्षी दलों के सांसदों ने भी 28 जून को ये सवाल गंभीरता से उठाया था। सदन की कार्रवाई दिन भर नहीं चली कि एनटीए को ख़त्म किया जाए, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और नीट की परीक्षा फिर से ली जाए। नीट इन कानून को लेकर जो पार्लियामेंट में प्रदर्शन किया गया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? न हुआ, प्रदर्शन तो हुआ और हमारा विरोध जारी रहेगा, इस पर विरोध जारी रहेगा। ठीक ना? ठीक है, बात करने के लिए था। हमेशा बात करने के लिए सीपीआई से सांसद सुदामा प्रसाद जी, जिनका साफ तौर पर कहा था जिस तरह से छात्रों के साथ जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर सरकार को कहीं ना कहीं गौर करना चाहिए। जैसे मैं अपने सहयोगी से बात करूंगा, देखा जाए कि यहाँ पे जो दिल्ली के जंतर मंतर पे जो यहाँ पे नीट के और नेट के जो विद्यार्थी हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अब देखना ये रहेगा जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कब तक इनकी मुश्किलें सॉल्व होती हैं। एमके न्यूज़ के लिए दिल्ली से शुभ सेठ।